जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और मोदी जी ने चुपचाप इसका भूमि पूजन कर दिया और 22 जनवरी 2024 को वहां प्रभु श्री राम 550 साल के बाद भव्य मंदिर में विराजेंगे। मुझे याद है वीरभूमि वालों, मुझे ढंग से याद है 2014 से 19 मैं पार्टी का अध्यक्ष था। ये राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा, अरे यार क्यों हंसते हो, मैं राहुल बाबा की बात कर रहा हूं, इसमें हंसना क्या। अरे वो राहुल बाबा है ना, वो राहुल बाबा रोज मुझे पूछते थे मंदिर वहीं बनाएंगे तिथि नहीं बताएंगे। अब राहुल मकराना वालों, मैं आज बता देता हूं 22 जनवरी को 2024 को वहां रामलल्ला बिराजेंगे। राहुल बाबा तो नहीं जाएंगे, राहुल बाबा नहीं जाएंगे, मगर मकरामणा वालों भाइयों तो जाए मेरी शक्ति पूरी की पूरी अयोध्या जाए। और सालों से जिसकी राह देखते थे वो काम नरेंद्र मोदी जी ने देखते देखते पूरा कर दिया है। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी जो है ये परिवारवादी पार्टी है, ऊपर सोनिया जी को बेटे को प्रधानमंत्री बनाना है और नीचे गहलोत जी वल्लभ गहलोत को लॉन्च करने में पड़े हैं, मगर इनका लॉन्चिंग ऐसा होता है, ये सोनिया जी 20 साल से राहुल बाबा को लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च ही नहीं होते हैं, होते हैं क्या। और इधर वैभव गहलोत भी लॉन्च नहीं होते हैं। इनके परिवारवाद को राजस्थान की जनता स्वीकारती नहीं है। आप करिए अपने बेटे बेटी को लॉन्च, मोदी जी ने चंद्रयान लॉन्च कर चंद्रमा पर तिरंगा पहुंचा दिया। माताओं भाइयों बहनों, गहलोत सरकार ने ये 5 साल के अंदर भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी है। भ्रष्टाचार तो मैं बाद में आता हूं, मगर पेपर लीक के जो मामले आए हैं ना, पेपर लीक के मामले ऐसे देश भर में कहीं नहीं आए। 4 साल के अंदर 14 अलग अलग परीक्षाओं में पेपर लीक कराकर अपने चट्टे बट्टे को नौकरियां देकर राजस्थान के युवा के साथ दगा करने का काम ये अशोक गहलोत ने किया है। 40 लाख राजस्थान के युवाओं का भविष्य चौपट करने का काम किया है और वो आराम से घूम रहे हैं। हम पकड़ लेंगे, पकड़ लेंगे, कहां पकड़ोगे भाई, किसको पकड़ा, किसी को नहीं पकड़ा है। गहलोत साहब, हाई कोर्ट की भर्ती में पेपर लीक हुआ, एलडीसी की कांस्टेबल भर्ती में पेपर लीक, आप भी साथ में बोलिए, एसआई की भर्ती में, चिकित्सा अधिकारी की भर्ती में, सीएचओ 2022 पेपर, लाइब्रेरियन भर्ती पेपर, जेईएन सिविल डिग्री पेपर, आरडब्ल्यूटी लेवल 2 पेपर, वन रक्षक भर्ती पेपर, बिजली विभाग में तकनीकी हेल्पर पेपर, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पेपर। अब इन्होंने इतने सारे पेपर लीक करे हैं, इस बार राजस्थान की जनता ने एडवांस में, अरे सुनो सुनो यार, ना मत बोलो, सुनो तुम हाँ बोलोगे, इन्होंने 14 पेपर लीक किए हैं, राजस्थान की जनता ने एक पेपर लीक दिया कि अगली बार कांग्रेस का पेपर लीक नहीं आने वाले हैं। आएंगे भाई बताओ, आएंगे मकराना वालों,
गहलोत साहब जरा भी शर्म बची है चुल्लू भर पानी में डूब मरो। 14-14 पेपर लीक कराकर 40 लाख राजस्थान के युवाओं को खत्म कर कर आप सरकार फिर से बनाने दे। मित्रों एक और राजस्थान समग्र देश में महिलाओं पर अत्याचार पर नंबर एक पहुंच गया है। हर रोज 22 अत्याचार के मामले महिलाओं के खिलाफ रजिस्टर होते हैं और गहलोत साहब को माथे पर जूं नहीं रहती। उन्होंने महिलाओं का अपमान करने का काम किया है और नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण देकर मातृशक्ति का सम्मान करने का। इतना ही नहीं, चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंचा, पॉइंट का नाम रखने का काम आया। मोदी जी ने शिव चंद्रमा को धारण करते हैं, शिव के साथ साथ शक्ति को जोड़कर शिव शक्ति नाम देकर मातृशक्ति का सम्मान करने का काम किया। और यहां 5 साल में 11 लाख मुकदमे माताओं बहनों बेटियों पर अत्याचार के रजिस्टर्ड हुए हैं। गहलोत जी आपको कोई अधिकार नहीं। अलवर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, चूरू, जघन्य अपराध की घटनाएं हुई हैं और प्रतापगढ़ की घटना ने तो माताओं बहनों को नहीं पूरे समाज को शर्मसार करने का काम किया है। और अलवर में महिला के साथ दुष्कर्म कर जलाकर सड़क पर फेंक दिया, डूंगरपुर में स्कूल की बच्ची से दुष्कर्म हुआ और गहलोत साहब इसको कुछ नहीं कर रहे हैं। माताओं भाइयों बहनों, इसके साथ साथ कन्हैयालाल तेली का गर्दन काटकर मौत के घाट उतार दिया। मुझे बताओ ये ठीक हुआ है क्या? ये ठीक हुआ है? इनके राज में आए दिन दंगे हुए, 19 में टोंक में हुआ, 20 में डूंगरपुर में हुआ, 21 में बारा में हुआ, 22 में झालावाड़ करौली में हुआ, 21 में झालावाड़ में हुआ, 22 में फिर से जोधपुर में हुआ। तो इसके साथ साथ छबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, नोहर, मेवात, मालपुर और जयपुर में दंगे हुए और कन्हैयालाल जैसे कई युवाओं को बलि चढ़ाने का काम ये अशोक गहलोत की तुष्टिकरण की नीति ने किया है। मगर इसकी और इसके खिलाफ मोदी जी ने पूरे देश भर में PFI पर बैन लगाकर ये तुष्टिकरण को कुचलने का मजबूत प्रयास नरेंद्र मोदी जी ने किया। झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि को पीट पीट कर मारा, अलवर में 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ा, सालासर में राम दरबार पर बुलडोजर घुमाया और कहीं कोई संत भूमि बचाने के लिए ये जो खनन का अवैध कारोबार होता है इसके खिलाफ आत्मदाह किया। ऐसी देश भर में कोई घटना नहीं हुई, सिर्फ राजस्थान में हुई है। मैं आज गहलोत साहब को कहने आया, गहलोत साहब राजस्थान की सरकार जनता आपके साथ नहीं है क्योंकि वो जानती है अगर आप दोबारा आए तो फिर से PFI पर को पुनर्जीवित करने का काम अशोक गहलोत करेंगे। मित्रों अपनी छवि चमकाने के लिए गहलोत साहब ने 2000 करोड़ का खर्चा ये 2 साल में किया है। 2 साल में 2000 करोड़ का खर्चा और खदानों के आवंटन में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है उसकी कोई सीमा नहीं रही है। माताओं भाइयों बहनों,
मैं आज सुबह एयरपोर्ट से आ रहा था, कुछ कम्युनिस्ट मिल गए, उन्होंने कहा कि हम तो इस बार राजस्थान नहीं जाएंगे। मैंने बोला भले आदमी क्यों नहीं जाओगे, जाओ प्रचार करना चाहिए, चुनाव है, जनता को राम राम सा कहो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम प्रचार नहीं करेंगे, हमारा थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं को क्या प्रॉब्लम है भाई, कि भाजपा का तो झंडा भगवा और हरा मिलकर होता है। मैं को ठीक है, तो आपका लाल है, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम, कि हमारा झंडा देखकर गहलोत साहब चिढ़ जाते हैं लाल कलर देखकर। इतनी सारी मातृशक्ति लाल कलर पहनकर आई है, आपको मालूम नहीं है लाल कपड़ा देखकर गहलोत साहब चिढ़ जाते हैं। क्यों चिढ़ते हैं मालूम है ना, क्यों चिढ़ते हैं? अरे यार जोर से बोलो, क्यों चिढ़ते हैं? लाल डायरी उनको याद आ जाती है। गहलोत साहब राजस्थान की जनता से और ये मरुभूमि की जनता से वोट मांगने के पहले लाल डायरी में क्या लिखा था वो जरा बता दो। आपका अधिकार है या नहीं है जानने का, है या नहीं है? वो मंत्री को बिचारे को सस्पेंड कर दिए, मंत्री सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा, शर्म होती तो इस्तीफा आपने दे देना था, देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? मित्रों इन लोगों ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है। मैं आज बताने आया हूं माताओं भाइयों बहनों, कांग्रेस की सरकार थी 10 साल तक, यूपीए की सरकार थी या नहीं थी भाई? 2 लाख करोड़ रुपया दिया 10 साल में, कितना दिया जोर से बोलो, कितना दिया? नरेंद्र मोदी जी ने 8,70,000 करोड़ रुपया राजस्थान को 9 साल के अंदर देने का काम, और 6 लाख करोड़ रुपया कहीं रिफाइनरी, कहीं एयरपोर्ट, कहीं वंदे भारत ट्रेन, कहीं रेलवे स्टेशन नए करना, कुल मिलाकर 15 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के विकास के लिए भेजा है। मगर मकराना वालों आपके पास आया है क्या, आपके गांव में आया है? एक कहां गया भाई, कौन खा गया, कौन खा गया? मित्रों ये भ्रष्टाचारी सरकार उखाड़ कर फेंक दीजिए, यहां पर डबल एंजिल की कमल फूल की सरकार बनाइए, कमल फूल की। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मोदी जी देश को 11वीं अर्थव्यवस्था को 5वें स्थान पर पहुंचाए, G20 कर दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाएं, और मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। ये 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, 10 साल में आए दिन पाकिस्तान से ये आलिया मालिया जमालिया आ जाते थे और बम धमाके कर भाग जाते थे। कभी कभी तो हमारे जवानों का सर काट कर चले, कोई उफ नहीं करता था सर, मौनी बाबा कुछ नहीं बोलते थे, कुछ नहीं। मोदी जी की सरकार बनाई आपने 14 में, उरी और पुलवामा में गलती कर दी, उनको आदत पड़ी थी, मगर वो भूल गए कि इस बार मोदी सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। माताओं भाइयों और बहनों, भारत को समृद्ध नरेंद्र मोदी बना सकते, भारत को सुरक्षित नरेंद्र मोदी बना सकते हैं, भारत का सम्मान दुनिया में, तिरंगे का सम्मान नरेंद्र मोदी करा सकते हैं, और राजस्थान का विकास भी नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। भाइयों और बहनों मुझे बताइए, आने वाले दिनों में 2024 में फिर से एक बार
दबाएंगे, यहां पर कमल खिलाएंगे, हमारी बहन को विधायक बनाएंगे, राजस्थान में भाजपा सरकार बनाएंगे, तो मेरे साथ हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद साहब, हृदय से धन्यवाद।